जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों पर। PNB घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की कोर्ट में गुरुवार को आखिरकार सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी। लंदन में वर्चुअल हियरिंग के बाद जज सैमुअल गुजी ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद ये फैसला आया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आज़ादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर किसी की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कंटेंट की शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में इसे हटाना होगा। तो वहीं देश की सुरक्षा जैसे मामलों से जुड़ी जानकारी शेयर करने पर फर्स्ट ओरिजिन भी बताना होगा। लंबे समय बाद एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद शुरू हुई है। बुधवार को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि 24-25 फरवरी की रात से ही उन सभी पुराने समझौतों को फिर से अमल में लाया जाएगा जो समय समय पर दोनों देशों के बीच हुए हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से परेशान करने वाली खबर आई। एक बॉयज हॉस्टल में एक साथ 229 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। इस हॉस्टल में अमरावती, नांदेड़, वाशिम, बुल्ढाणा और अकोला के 327 स्टूडेंट्स रहते हैं। अब पूरे हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया है। वाशिम वही जिला है जहाँ 2 दिन पहले राज्य के मंत्री संजय राठौड़ हजारों की भीड़ लेकर एक मंदिर पहुँचे थे। भारत ने UNSC में एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक देश बताया। यहां भारत के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के नागराज नायडू ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया कि हमारा एक पड़ोसी देश ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आतंकवादियों को पना और मदद मुहैया कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि आतंकवाद को पड़ोसी देश की सरकार का भी समर्थन हासिल है। पश्चिम बंगाल में TMC बनाम BJP की सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध किया। गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री ई स्कूटी से राज्य सचिवालय तक पहुंची। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने इस ई बाइक रैली में बड़ी संख्या में सचिवालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की दोषी सिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि पति के लिए चाय बनाने से इनकार करना पत्नी को पीटने के लिए उकसाने का कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि पत्नी कोई गुलाम या कोई वस्तु नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने GST नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए शुक्रवार को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है। इस दिन देश भर के बाजार बंद रहेंगे और कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। देश के सभी राज्यों में व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है। राजधानी दिल्ली में एक मॉडल युवती के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में 22 साल की एक लड़की ने रेप की शिकायत की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़की की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। लड़की मॉडलिंग करती है। पुलिस को दी गई तहरीर में लड़की ने बताया कि मुंबई से उसका एक पुराना जानकार दिल्ली आया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.